हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। देखिए, पूरा कोर्स आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वैसे तो मैंने पूरी बुक सॉल्व करा रखी है अरिहंत तार के जाके, बट अब बुक नहीं सॉल्व करा रहा, नॉर्मल पैटर्न करा रहा हूँ, टाइप करा रहा हूँ, ताकि कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर पाओ। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्या नाम है उस चैप्टर का? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में बोलेंगे दिशा तथा दूरी। डन। अब क्योंकि चैप्टर में छुपा हुआ है दिशा, तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? दिशाएं पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें दिशा की, तो आप सभी जानते हैं ऊपर क्या होता है, बोले सर उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, बोले सर दक्षिण होता है। राइट हैंड पर क्या होता है, पूर्व होता है। लेफ्ट हैंड पर क्या होता है, बोले लेफ्ट हैंड पर सर पश्चिम होता है। डन। इनके बीच में आ जाओ। अब देखो ये और ये, अब ये भी बता देता हूं, उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, पूर्व को ईस्ट कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं। डन। अब उत्तर और पूर्व के बीच में ये वाली रेखा आ रही है, तो इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व। यानी कि जब कभी भी हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो पूर्व और उत्तर के बीच में, तो उसे उत्तर पूर्व कहेंगे। ये दक्षिण और पूर्व के बीच में आ रहा है तो दक्षिण पूर्व, इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम के बीच में, और इसे उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में। सेम इसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको दिक्कत पड़ती है, वो इस पूरे चैप्टर में पड़ती है, राइट और लेफ्ट में। लेकिन एक बात पहले जान लेते हैं कुछ चीजें इसी से रिलेटेड, कि आपने देखा है कितनी दिशाएं हो गई, बोले फिर चार चार आठ हो गई। तो आपसे कोई पूछे कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो अगर आपने बताया आठ, आप गलत हो जाओगे। कुल दिशाएं होती हैं दस। दस क्यों होती हैं? आठ तो ये दिख रही हैं। एक दो हम ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे क्यों दिखा देते हैं, क्योंकि एक आकाश एक पाताल की, फॉर एग्जांपल इसको उठा के मैंने हाथ में रख लिया, तो एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, या फिर मैं बात करूं एक बोर्ड के अंदर वाली एक बोर्ड के सामने वाली, दो डायरेक्शन और होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। या मतलब दिखाई कह नहीं देती कि हमें 2D फिगर है, ये 3D फिगर नहीं है। हम बोर्ड क्या है, लंबाई है चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं, या ऊंचाई है चौड़ाई है लंबाई नहीं, कुछ भी आप कह सकते हैं ना, एक चीज़ गायब है। तो क्योंकि एक चीज़ गायब है, हमारे पास सिर्फ 2V में 2D फिगर है, लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ 8 ही पढ़ सकते हैं और हमारे पेपर में 8 ही आएंगी। लेकिन मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया कि होती 10 है, पढ़नी 8 है। डन। अब इसके अलावा जो दिक्कत पड़ती है हमें, वो पड़ती है राइट और लेफ्ट में। तो राइट और लेफ्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है, एक तो आप अपने हाथ को देख लो, जैसे आप करते आए हो कि ऐसे देखो, इस वाले हाथ से देखोगे स्मॉल बी मतलब बायां यानी कि लेफ्ट, और इस वाले हाथ से देखोगे स्मॉल डी मतलब दायां मतलब राइट। या तो ऐसे कर लो, क्योंकि कहते हैं ना जिससे खाते हैं वो दायां बाकी बायां, समझदार हो। तो क्या करना है, जरा समझ लो कि ये तो हो गई दिशाएं। अब इन दिशाओं के अलावा जो राइट लेफ्ट, अगर ऐसे भी समझ में आया तो आप उसे याद कर सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो याद करने का सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि आप ये ध्यान रखो कि आप जहां भी खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां खड़े हो, तो आप बस यहां से ये चेक करो कि आपकी जो घड़ी है वो कहां चलेगी। तो बोले सर अगर 12 पे सही है तो घड़ी इधर जाएगी, तो इधर आपका दायां होगा, राइट होगा। आप यहां खड़े हो, यानी कि आप यहां खड़े हो, पूर्व में खड़े हो। अब यहां कौन सी सुई होती है, तीन, तो तीन के बाद सुई किस पे आती है, बोले फिर चार पे मतलब नीचे जाती है, तो नीचे आपका राइट होगा। आप यहां खड़े हो मतलब छह पे खड़े हो, अब छह के बाद सुई किस पे जाती है, बोले फिर सात पे जाती है, तो इधर आपका राइट होगा। और आप यहां खड़े हो, यहां कौन सी सुई होती है, नौ, तो नौ के बाद सुई किस पे आती है, 10 पर, यानी कि ऊपर जाती है, तो ऊपर आपका राइट हो। पहचान में आ रहा है कुछ? तो ये सिंबल आपकी पहचान में आ रहा होगा, इसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह या सत्या। क्या कहते हैं इसे, स्वास्तिक चिन्ह या सत्या। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आप बस एक सिंबल याद रख लो, दिशाएं भी याद हो जाएंगी आपको इस सिंबल से, और राइट लेफ्ट की भी गड़बड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है अभी ये पूरा नहीं है। जो बच्चे इस सिंबल को जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह, है ना, हड़प्पा से कहां से, मोहनजोदड़ो से कहां से इसकी खोज हुई थी, कहां से मिला था, ऐसा ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था, आता है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो क्या है ये स्वास्तिक चिन्ह, हर शुभ लाभ, हम आप लोग जितने भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वो इसको जानते भी, मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन बाकी किसी भी धर्म के आप लोग हों, आपने ये देखा जरूर होगा, और अगर आपने ये देखा है, आपने इसे पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि यहां आपको ये कितनी हेल्प करने वाली है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गई चार, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है। पूरा कब होगा, पूरा ये तब होगा जब यहां पे ये हो जाएगा। अब ये पूरा हुआ, डन हो गया। अब समझते हैं ये मैंने क्यों किया।
देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, साउथ। हिंदी में लिखा हुआ है उधर, यहां मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। राइट में होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, और लेफ्ट में होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। क्लियर, ये हो गई चार दिशाएं, लेकिन चार उपदिशाएं भी होती है। तो देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन ये जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसे कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। एक डायरेक्शन ये जा रही है साउथ और ईस्ट के बीच में, इसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। एक डायरेक्शन ये जा रही है साउथ और वेस्ट के बीच में, इसे कहेंगे साउथ वेस्ट। और एक डायरेक्शन ये जा रही है ऊपर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो कितनी डायरेक्शन हो गई, आठ डायरेक्शन हो गई, वही हमें पढ़नी है। दूसरी बात, इसी सिंबल से आपको राइट लेफ्ट का ज्ञान हो रहा है कि जब कभी भी हम ऊपर जाते हैं तो इधर आपका राइट होता है, जब कभी भी हम ईस्ट में जाते हैं तो नीचे आपका राइट होता है, जब कभी भी आप साउथ में जाते हो तो इधर आपका राइट होता है, और जब कभी भी आप वेस्ट में आते हो तो ऊपर आपका राइट होता है। मतलब ये जो सिंबल है ये आपको सारी सही दिशाएं दर्शाता है, सीधी दिशाएं दर्शाता है। तो आपको जब भी इस दिशा में जाओगे आप ये सिंबल बनाओगे, इसका मतलब क्या है कि उत्तर में जाओगे तो इधर राइट, इधर जाओगे तो इधर राइट, नीचे जाओगे तो इधर राइट, इधर जाओगे तो इधर राइट। क्लियर, तो आपको दायां हाथ आपको क्लियर हो जाएगा, जब राइट आपको बताए तो लेफ्ट आप अपने आप निकालोगे। तो बस आपको एक सिंबल याद रखना है, इससे आपको दिशाएं और राइट लेफ्ट दोनों याद हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे नॉर्थ साउथ याद रखते, लेकिन नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, लेकिन ईस्ट यहां आएगा यहां आएगा ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इंग्लिश में भी लिख दिया। इसके लिए जो मैं ट्रिक बनाई थी वो मैंने बनाई थी उई कि बचपन में जब चोट लगती है, बचपन में जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, बोले उई उई मम्मी है ना, उई निकलता है, बच्चे उई उई करके रोते हैं, तो उई। और अगर चोट को ठीक करना है तो आप क्या लगाओगे, बोले सर दवा। क्या लगाओगे, दवा। तो आप बस उई दवा याद रखो। अभी उई दवा है क्या, देखो ऊ से होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ई से होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, दा से होता है दक्षिण अर्थात साउथ, और डब्लू से होता है वेस्ट अर्थात पश्चिम। ये प्रोसीजर याद रखो उई दवा। अब इसके बाद आपको जहां उत्तर मानना है आप मान लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मन कर रहा है कि मैं ऊपर उत्तर ना मानू, मैं उत्तर यहां मानू, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर उत्तर यह है तो उत्तर की क्लॉकवाइज इधर क्या आ जाएगा, ईस्ट, इधर क्या आ जाएगा, उई के बाद द, तो द दक्षिण, और फिर वा यानी कि वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आपको मन कर रहा है उत्तर यहां मानू, मान लो, लेकिन ऊ के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, यहां पे ई, फिर ई के क्लॉकवाइज द, और फिर वा, उई दवा, यही प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो उई दवा याद रखो, आपका काम चल जाएगा। क्या याद रखना है आपको, उई दवा, उई दवा। ये एक टाइप के क्वेश्चन में भी आएंगे कि जब दिशाएं चेंज करता है कि उत्तर को पूर्व कहा जाए, पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इसका यूज होगा। तो उई दवा आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है कि आपको पता होनी चाहिए एंगल, क्योंकि कुछ एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी जानते हैं कि एक सर्कल जो होता है वो कितनी डिग्री का होता है, बोले सर 360 डिग्री का होता है, होता है। इस सर्कल को अगर हाफ कर दूंगा तो, बोले सर 180 डिग्री का हो जाएगा। इसको भी हाफ कर दिया तो, बोले सर 90 डिग्री का हो जाएगा। और 90 को भी हाफ कर दिया तो, बोले सर 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आप अगर गौर करें, आप अगर गौर करें तो आप देखिए यहां पे राइट लेफ्ट, तो मैंने यहां बना दिया, मैं यहां रफ कर देता हूं क्योंकि राइट लेफ्ट आपको दिख ही रहा है बना हुआ, मैंने इसी सिंबल में बना दिया है। तो हमें आठ ही पढ़नी है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आप समझिएगा कि अगर मैं एंगल की बात करूं तो आपको पता है ये एट डायरेक्शन है। आप देखो इन सबको मिला के एक सर्कल बन रहा है, यानी कि टोटल साइड डायरेक्शन 360 डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अगर मैं बात करूं हाफ सर्कल की, ऊपर ऊपर वाले की, तो 360 का हाफ 180 को भी हाफ कर दिया तो 90, और 90 को भी हाफ कर दिया तो 45। इसलिए याद रखिएगा हर एक डायरेक्शन में या सब डायरेक्शन में जो गैप होता है वो कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। ये सारी डायरेक्शन आपको पता चल गए। दूसरी बात, जब कभी भी इसमें के क्वेश्चन यूज करेंगे तो हम दो शब्द यूज करेंगे, एक शब्द है दक्षिणावर्त और एक शब्द है वामावर्त। पेपर में कोई बताने नहीं जाएगा, बच्चे आपने पूछते हैं सर इसका मतलब क्या, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, घड़ी की दिशा में, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये याद रखिएगा। याद कैसे रखेंगे, वा मतलब विपरीत दिशा, दा मतलब दिशा में, नाम में ही छुपा हुआ है। दक्षिणावर्त मतलब दा आ रहा है तो दिशा में, वामावर्त मतलब वा आ रहा है मतलब विपरीत दिशा में। तो नाम से ही आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो जब एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो इन दोनों शब्दों की और एंगल की आपको जरूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए। अब
आप अगर ये समझ गए तो एक चीज और करते हैं कि आप देखो जब हम उत्तर में गए उसके बाद जब राइट मुड़े तो आप पूर्व में चले गए। पूर्व में गए यानी कि उत्तर से पूर्व में गए 45-45 कितने डिग्री चले, 90 डिग्री चले। तो आप नोटिस करो कि आप जब कभी भी राइट मुड़ रहे हो आप कितने डिग्री पे मुड़ रहे हो, बोले सर 90 डिग्री पे मुड़ रहे हो। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जब कभी भी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, देखो इधर घड़ी चलती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, राइट कहेंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे, राइट कहेंगे। और अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट कहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी राइट लेफ्ट मुड़ना होगा तो मुड़ेंगे हमेशा 90 डिग्री पे, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो पहले आप ये नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर मैं उसके आगे क्वेश्चन शुरू करता हूं या समझाता हूं कि और क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। क्लियर? इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद थोड़ा सा हमें और समझना है, फिर क्वेश्चंस तो मैं कल से ही शुरू करूंगा, लेकिन आज समझा पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो हमने जितना समझा है वो भी ये समझ लिया, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं। राइट लेफ्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ेगी, राइट लेफ्ट इसका क्लियर है, उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, क्योंकि राइट लेफ्ट ही मुड़ना है पूरे चैप्टर में। शिवम 10 किलोमीटर उत्तर में चला, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट, यही क्वेश्चन चलेंगे लौट फिर के। तो राइट लेफ्ट अगर आता है करना तो आप कुछ भी कर लोगे चैप्टर में, ठीक है? ये डायरेक्शन याद रखना, ये अगला टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब दवा आपको बता दिया, राइट लेफ्ट आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया, बस एक सिंबल बताया वो आप याद रख लेंगे, है ना? अब आते हैं अगली चीज पे कि 90 डिग्री मैंने आपको क्यों बताया, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। डायरेक्शंस आपने नोट कर ली हैं तो इसकी अब जरूरत नहीं है। अभी सपोज करिए मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेता हूं, कि मैंने आपसे ये कह दिया कि एक व्यक्ति यहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, आपको बताइए नॉर्थ इधर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे जाएगा दोनों के बीच में, यहां से राइट मुड़ा तो इसका राइट कहां होगा, यहां से वो राइट मुड़ा तो इसका राइट कहां होगा, बताइए, कोई बता सकता है? अब होता क्या है कि बच्चे आंसर क्या बोलते हैं बता देता हूं। बोले सर आपने बताया था घड़ी की दिशा में राइट होता है, बोले जिधर घड़ी चलती है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर घड़ी या फिर, बोले राइट इधर होगा, साउथ आंसर बोल के आ जाते हैं, साउथ मतलब दक्षिण आंसर बोल देते हैं, वो गलत कर देते। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर घड़ी की दिशा मतलब ऐसे जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे ईस्ट आंसर बोल देते, ठीक है? लेकिन बेटा ध्यान रखना, ना तो साउथ आंसर है ना ईस्ट आंसर है, क्यों? क्योंकि ना तो ये 90 डिग्री है और ना ही ये 90 डिग्री है। तो जब दोनों ही 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आंसर ईस्ट होगा ना आंसर साउथ होगा, तो इन दोनों के बीच में चले जाओ, ये आपका आंसर आ गया, और ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर क्या है, साउथ ईस्ट। यानी कि कोई आपसे पूछे नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, साउथ ईस्ट। कोई आपसे बोले नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है तो आप फिर से क्या करेंगे, 90 डिग्री ऐसे जाएंगे, ये कौन सा आ जाएगा, बोले सर नॉर्थ वेस्ट। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो आपको समझना ये है कि हमेशा मुड़ना कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे मुड़ना होता है। क्लियर? और मुड़ना ना आए तो आप डायरेक्टली यहां से देख लेना कि नॉर्थ ईस्ट ये होता है, यहां से 90 डिग्री जाना है आपको क्लॉकवाइज, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज को कहते हैं, तो 45-45-90 यहां पहुंच गए, डायरेक्शन कौन सी, साउथ ईस्ट। यानी कि आप राइट मोड़ोगे अगर नॉर्थ ईस्ट से तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, देखो साउथ ईस्ट में गए। क्लियर? तो हमेशा कितने डिग्री पे मुड़ना है, 90 डिग्री पे मुड़ना है। और एक चीज और आसान कर देता हूं आपके लिए कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी भी आप अगर सिंगल दिशा से राइट या लेफ्ट मुड़ते, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ से राइट मुड़ो या लेफ्ट मुड़ो, सिंगल दिशा ही आंसर आएगी, इधर जाओगे तो ईस्ट, इधर जाओगे वेस्ट, क्योंकि आप नॉर्थ में चले थे। लेकिन कभी भी आप बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, सब डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आंसर भी सब डायरेक्शन आएगी, कभी सिंगल डायरेक्शन आंसर नहीं आएगी। कि आप डबल डायरेक्शन में चले फिर नॉर्थ ईस्ट से, तो आंसर भी डबल डायरेक्शन आएगी, साउथ ईस्ट राइट मोड़ोगे तो और लेफ्ट मोड़ोगे तो नॉर्थ वेस्ट। डबल डायरेक्शन से डबल डायरेक्शन आंसर आती है, और सिंगल डायरेक्शन से सिंगल डायरेक्शन आंसर आती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आते हैं अगली चीज पर कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है और हमें क्या समझना है। तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, अब आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात अगर हम करें तो ये तो समझ में आ गया कि हम क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब इसके अलावा जो हमें समझना है बेटा, वो क्या समझना है उस पर आता है कि ये तो हम समझ गए कि डायरेक्शंस राइट लेफ्ट क्या होता है, कितने डिग्री पे मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, ठीक है, एंगल कर लिया। इसके बाद अगर जब हम क्वेश्चन करने आएंगे तो एक चीज और आती है, परछाई वाले क्वेश्चन। उन परछाई वाले क्वेश्चन में दो शब्द यूज होते हैं, एक होता है सूर्योदय और एक होता है सूर्यास्त। सूर्योदय मतलब सनराइज और सूर्यास्त मतलब सनसेट। तो सूर्योदय जो होता है बेटा वो पूर्व से होता है, ईस्ट से होता है, और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, वेस्ट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए वरना दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रश्न करेंगे कौन से वाले, दूरी वाले, तो
तो कभी कभी एक थ्योरम यूज होती है, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो और समझनी है, उसके बाद हम लोग कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आज पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो और समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। नेक्स्ट, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चला, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट मोड़ता है, तो बेटा इसका लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ से चलना है लेफ्ट, तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे सर घड़ी ऐसे जाती है, घड़ी नीचे जाती है, तो नीचे होगा राइट, तो लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, बोले ऊपर, डन, लेफ्ट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, खत्म। आपसे पूछ लेगा तो बताइए उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताइए, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछेगा। तो देखो अगर प्रारंभिक बिंदु ना बोला हो तो 4 और 3 7 हो गया, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट बोला हो मतलब आप ऐसे एरो लगा लोगे, और ऐसे लगा लिया तो ये क्या बन के आ गया, एक ट्राइंगल बन के आ गया। बेटा जब कभी भी ट्राइंगल बन के आ जाएगा तो आप समझ जाना आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है, एक चीज होती है क्या कि ये जो होता है इसे कहते हैं कर्ण, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनियस, इसे बोलते हैं आधार, और इंग्लिश में बोला जाता है बेटा बेस, इसे बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन वैल्यू जो हमें निकालनी है वो कर्ण की निकालनी है। तो अब मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश में आप समझ जाओगे कि अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है, कर्ण की निकालनी है, तो स्क्वायर चला जाएगा इधर, तो स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो जब कभी भी आपको टेढ़ी लाइन निकालनी होगी तो आपको क्या करना होगा कि बाकी दोनों जो वैल्यू दिए उनका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जोड़ देना होगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि आपको क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 9, दोनों को जोड़ देंगे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और बाहर निकालेंगे कितना आ गया 5, आपका आंसर कितना हो गया 5 किलोमीटर। बात समझ में आ गई, तो आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो कि आपको बस ये याद रखना है कि जो भी बड़ी वाली वैल्यू लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन इज इक्वल टू अंडर रूट में बाकी दोनों का स्क्वायर, ये आप कह सकते हो कि बड़े वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। जब ये याद रखोगे तो स्क्वायर इधर चला ही जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, वो सबको इतना सा कॉमन सेंस है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, जब भी ये निकालना होगा अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। और या फिर पाइथागोरस थ्योरम का एक रेशियो चलता है 3:4:5, अगर कभी भी इस रेशियो में वैल्यू तो ये आंसर आएगा कि अगर 3 और 4 है 5 आएगा, सपोज करो यहाँ 6 कर दी यहाँ 8 कर दी, तो 3 × 6 = 4 × 8, तो यहाँ हमेशा 10 आएगा, ये कन्फर्म है। यहाँ मैंने 9 कर दिया और यहाँ मैंने 12 कर दिया तो यहाँ भी 15 आएगा, बात समझ रहे हैं आप, ये कन्फर्म चीज है। यहाँ मैंने 3 × 12 कर दिया, यहाँ मैंने 4 × 16 कर दिया तो यहाँ 5 × 20 आएगा, बात समझ रहे हैं आप, तो ये रेशो चलता है। लेकिन ये 3:4:5 का जो रेशो है ये एक दो जगह फेल हो जाता है, इसलिए मैंने रेशो बाद में बताया, क्योंकि जैसे मैंने बोला 5, 12, 13, मैंने क्या बोला 5, 12 और 13, अब इसमें ये काम नहीं कर रहा 3, 4, 5, लेकिन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्यों, 105 का स्क्वायर 25, 144 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 169, देखो आ गया, यानी कि आपकी समझ में आ गया कि भैया 5, 12, 13 में भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो कुछ रेशियो है ना, याद रख लोगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉट फिर के वही रेशियो पूछा जाते हैं 3, 4, 5, 5, 12, 13, 4, 6, 10, यही बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर याद कर लोगे 3, 4 रेशियो तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे सॉल्व करने की, बट सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने कई सारी चीजें आपको सिखाई, एक हमने सीखा दिशाएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, दूसरा हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हमें राइट लेफ्ट में दिक्कत होती है तो राइट लेफ्ट में दिक्कत कैसे ना, तीसरा हमने सीख लिया कि कोई भी क्वेश्चन हो एंगल वाला तो कैसे चलना है, कौन कौन से शब्द यूज होने, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम सीख लिया। तो जितना सिखाने वाला कॉन्सेप्ट वाला जो पूरा पोर्शन था वो मैंने आज खत्म कर दिया है, कल से हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ठीक है, कल से आपको क्वेश्चन शुरू करा दूंगा, और ऐसे जुड़े रहिए, रोज रात 9 बजे वीडियो चलती है, तो कल रात 9 बजे जरूर मिलेंगे। बाकी आपको साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है, आप जहां चाहें मुझे क्वेश्चन अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।